अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको तरीका सिखाएंगे मज़ेदार टींडे बनाने का। ये अभी मैं शुरू कर चुकी हूँ। ये सबसे पहले मैंने इसमें प्याज ब्राउन किया है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि थोड़ा सा प्याज जो टमाटर है वो गल जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें मसाले डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम टींडे डालेंगे। बस ऑलमोस्ट टमाटर हमारे गलने वाले हैं। मसालों में हमने जो शामिल किया है उसमें है लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, क्रश चिलीज जो होती हैं चिली फ्लेक्स जिनको कहते हैं वो भी 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून और सॉल्ट जो है नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितना भी आपने डालना है। अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये हम बावर्ची खाना की तरफ से आपको ये रेसिपी सिखा रहे हैं जो कि फूड पांडा पे हमारा बावर्ची खाना का वो रेस्टोरेंट पहले से ही ओपन है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने रेसिपीज़ जो हैं वो यूट्यूब पे भी डालें। ये हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है। अब हम इसमें टींडे ऐड करेंगे। टींडों को हमने चकोर चकोर काट दिया छोटे छोटे क्यूब्स में। अब हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे बल्कि इसी की स्टीम में, क्योंकि टिंडे खुद भी पानी छोड़ते हैं, इसी की स्टीम में अपनी स्टीम में ये टिंडे गलेंगे। और आंच को हम ज़रा हल्का कर देंगे। बिल्कुल लो मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। अब जब तक ये तैयार होता है तो हम दोबारा मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे टींडे गल चुके हैं या नहीं। वाओ, क्या शक्ल सामने आई है टींडों की, ये देखें ज़रा आप। आपका दिल चाहेगा कि आप पकाएं अभी और इसी वक्त खाएं। ये देखें हमारे टींडे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, गल गए हैं। ये देखें आप, ये देखें चम्मच से मैश हो रहे हैं, इसका मतलब है ये गल गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ये देखिए हम इसको गार्निश करेंगे धनिया और ये हरी मिर्च। ये देखें आप इसकी लुक चेक करें, कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का। आप एक दफ़ा पकाएं और टेस्ट करें और फिर बताएं आपके घर वाले टिंडों पे ना आशिक हुए तो फिर कहिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। बावर्ची खाना की तरफ से इजाज़त दे दीजिए।